नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको अपने YouTube चैनल के बारे में जानकारी दूंगा कि मैंने अपना YouTube चैनल क्यों खोला है, क्यों बनाया है। तो जो बड़े यूट्यूबर है, YouTube में मैंने उनकी बातों को सुना और मैंने अपना YouTube चैनल खोल दिया। मैं किसी भी यूट्यूबर का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन काफ़ी सारे यूट्यूबर ये कहते हैं कि यूट्यूब में बहुत पैसा है। तो मैंने भी सोचा कि यूट्यूब चैनल खोल लेता हूँ। तो करीबन 1.5 साल करीब पहले मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला। अब बात आती है कि मैं यूट्यूब चैनल तो मैंने खोल दिया, तो मैं किस में बनाऊँ, यानी काम किस पे करूँ। तो मैंने 2-3 कैटेगरी रखी, ये गाड़ी साफ करने के बारे में जानकारी और ड्राइविंग के बारे में, और फिर मालिक के काम के बारे में। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मालिक के काम में और म्यूजिक में वीडियो बना रहा हूँ। आज 1.5 साल करीब पूरा हो गया है और मेरे बड़े बड़े मुश्किल से 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हुए हैं। तो काफ़ी सारे लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं, शांति भाई आप तो पैसा कमा रहे होंगे। तो मैं उन भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि मैं कोई पैसा नहीं आया मेरे उसमें, बल्कि मेरा जो उधर पैसा लगा है, मैं उसका आपको थोड़ा बहुत हिसाब बता देता हूँ कि मुझे इधर कुछ नहीं मिला है, जो उधर लगा है वो बता देता हूँ। कम से कम समय इतना लगा है कि अगर मैं उसको नोट करूँगा तो हजारों घंटे मेरे समय इस YouTube में खर्च हो चुके हैं, हजारों घंटे। जिस हिसाब से मैं काम करता हूँ, उस हिसाब से अगर ये पैसा जोड़ा जाए जो मैंने इसमें खर्च कर दिया है, 2-2.5 लाख रुपए ये मैंने अपने जो समय खर्च कर दिया है, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में, लॉन्ग वीडियो बनाने में कम से कम किसी किसी में तो मेरे 8-9 घंटे लग गए एडिटिंग करने में, बनाने में। तो वही बता रहा हूँ, 2-2.5 लाख रुपए तो का तो मैंने इसमें काम कर दिया है, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ आपको। ऊपर से जो क्या कहते हैं उसको, रोज़ फ़ोन में रिचार्ज, अब 1.5 GB जो डेटा मिलता है वो तो हम शाम तक ऐसे खर्च कर देते हैं भाई। जब तक YouTube में काम करने का समय आता है तब तक उसमें फिर से रिचार्ज, मतलब पैसा डालो, यानी कम से कम नहीं तो अगर हम 15 रुपये का नेट भी डालते हैं तो एक वीडियो लगा लो, कितनी एक वीडियो बनाई, 2 वीडियो बनाई, और लॉन्ग वीडियो में तो फिर कम से कम अगर 10 मिनट से ऊपर की वीडियो है, लॉन्ग वीडियो, उसमें तो कम से कम 3-4 GB, 2 GB से ऊपर वो चाहिए, डेटा चाहिए। तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यूट्यूब में पैसा कमाना कितना मुश्किल है। जो लोग कहते हैं कि बहुत पैसा है, 1.5 साल हो गया मैंने 1 रुपया नहीं कमाया, जो सच्चाई है, और उधर जो खर्च करे वो मैंने अभी अपने समय का बताया है कि अगर मैं इतना समय अपने काम में लगाता, रोजी रोटी कमाने में लगाता, तो 2-2.5 लाख तो छोड़ो, 50,000 ही मान लो, 50,000 भी छोड़ो, 20,000 मान लो, मेरे हिसाब से तो 2-2.5 लाख मैंने इसमें अपने 2-2.5 लाख का समय अपना खर्च कर दिया है, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है। अब आती है बात ये कि और नकदी कितना खर्च करा है। तो नकदी मैंने एक फ़ोन लिया है, फ़ोन का नाम है Redmi Note 9 Pro Max। ये फ़ोन मैंने Amazon से मंगाया, तब जाके करीबन ये मेरे को 15,000 के आसपास पड़ा है, जबकि ये फ़ोन और महंगा है। अगर दुकान में तो मिल ही नहीं रहा था, दुकान से मंगाता तो करीबन 16-17 हज़ार का पड़ता। इसमें जो कैमरा है इसका बढ़िया है और फ़ोन भी अच्छा है। जैसे माइक हो गया, ये माइक मैंने क्या करा कि वाला जो माइक अभी लगा रखा है, पहले एक डब्बा मंगाया था, ये करीबन 1200-1300 का आया, उसमें कुछ कमी आ गई, जो ये पिन जो फ़ोन में लगती है, ये पिन उन्होंने ऐसी भेजी कि फ़ोन में लगी नहीं, फिर दूसरा मंगाया, यानी 1200-1400 रुपये हो गए। और फिर रिंग लाइट जो होती है, जो फोकस बनाती है, जो अंदर कमरे में रखी हुई है, वो भी करीबन 1500-1600 की वो आई है। और छोटे मोटा खर्चा मान लो कि 20-25-30 हज़ार तक ऐसे खर्च हो गए। तो ये जो समुंदर है, एक पर इस समुंदर को पार करना बहुत कठिन होता है। पहले ही इस समुंदर की एक शर्त होती है, यानी YouTube चैनल वालों की एक शर्त होती है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 ऑस्टेन घंटे, यानी 4000 घंटे ये पूरे करने होते हैं दोस्तों। लेकिन आदमी ये सोचता है कि मैं तो ये जल्दी कर दूंगा और फिर मैं लाखों रुपए कमाऊंगा, तो इतना आसान नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप
एक ऐसे घर से बिलोंग करते हैं जहाँ पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, और फिर आप कहीं ऐसे सोच रहे कि मैं फटाफट एक फ़ोन ले लेता हूँ, इधर से कर्जा निकालता हूँ, फिर मैं काफ़ी सारे पैसे कमाऊँगा, तो आपने इस धोखे में नहीं आना है। जो आप जॉब कर रहे हैं वो जॉब कीजिए आप बढ़िया तरीके से, जो आप जीवन जी रहे हैं उसमें रहिए, खुशी खुशी रहिए, आप लालच की तरफ मत जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब में पैसा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि यूट्यूब में पैसा है, लेकिन मुझे 1.5 साल हो गया है, आप मेरी वीडियो से पता कर सकते हैं, जो लॉन्ग वीडियो है उसमें 1 वर्ष लिख के आ रहा होगा तो झूठ नहीं बोलेगा वो, तो मुझे 1.5 साल करीब हो गया है, मुझे अब तक कोई पैसा नहीं मिला, मैंने 1 रुपये भी नहीं कमाया है, और मैंने उधर कितने खर्च कर दिए हैं इसका कोई हिसाब नहीं है, जो समय खर्च करा है उसका भी कोई हिसाब नहीं है। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास 10 या 15 हज़ार की भी जॉब है और उससे आपका घर चल रहा है, चाहे आप रूखा सूखा जैसा भी कुछ घर चला रहे, वो बढ़िया है दोस्त, आप उसी में खुश रहिए। YouTube की तरफ तब आइए जब आपका कोई सपोर्टर हो साथ में, सपोर्टर यानी घर चलाने वाला कोई दूसरा हो। सपोज आपके घर में 3 आदमी कमाने वाले हैं तो ठीक है, 1 आदमी YouTube की तरफ जा सकता है, 2 आदमी का तो पैसा आ रहा है घर में, 2 आदमी है तो ठीक है, 1 आदमी का पैसा अगर घर चलाने के लिए आ रहा तो 1 आदमी अपना फ़ोन वगैरह ला करके YouTube की तरफ जा सकता है, क्योंकि उसमें समय बहुत लगता है। अगर आप ये सोच रहे कि नहीं थोड़ा इधर से कर्जा निकाल लूँ, थोड़ा ये कर लूँ, उसके बाद में YouTube में इतना विश्वास रख रहे मतलब आप YouTube की तरफ कि वो सीधा आपको माला माल कर देगा, तो इस चक्कर में मत जाइएगा आप। आप ऐसा कीजिए जो जॉब कर रहे उस पर फोकस लगाइए, और जो आपके पास पैसा है उसको बिना बात में वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला होती है और लालच इंसान को गिराता है। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि YouTube खराब है, मैंने ये नहीं कहा है, मैंने ये भी नहीं कहा कि YouTube में जाना गलत है, लेकिन उनके लिए बता रहा हूँ जिनके पास पैसा नहीं है और एकदम से समुद्र में छलांग लगाने की सोच रहे कि हमने तो YouTube चैनल बनाना है तो बनाना है, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, बाद में पछताना भी पड़ सकता है। आप किसी से कर्जा ले रहे हैं उसका ब्याज बढ़ जाएगा, या आप अपने घर में किसी पर फोकस लगा रहे हैं, अपने भाई पर या अपने माँ बाप पर या अपने वाइफ पर कि भाई मुझे तो फ़ोन के लिए पैसे चाहिए, रोज़ घर में झगड़ा हो रहा है, तो इस लालच में मत आइए, इसमें इतना कुछ है नहीं जितना कि आदमी सोचता है। जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उन्होंने बहुत मेहनत कर रखी है, और तब जा कर के उन्होंने जब 2-2.5 साल उन्होंने मेहनत करी है तब जा कर के उनका जो है एक मतलब बढ़िया पैसे कमाने का एक साधन जुड़ा है उनके पास, या यूं कहें कि उसके जब बहुत बढ़िया उनके पास ऑडियंस जमा हुई है, ऑडियंस बनाई उन्होंने पहले, तब जा कर के उन्होंने पैसा कमाया है। तो यही मेरा बोलने का मतलब है दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने यूट्यूब में नहीं जाना है, मैं ये कह रहा हूँ अपने साधनों के साथ जाना है। कम से कम आपके पास 25,000 रुपये तो होने चाहिए शुरू में, थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए एक फ़ोन लेना होता है। अब आप बेकार सा फ़ोन लेंगे तो उसकी क्वालिटी भी बेकार ही आएगी, इसलिए इसके लिए जो फ़ोन है कम से कम 15,000 से ऊपर का तो फ़ोन ही चाहिए, इससे कम के फ़ोन में आप अच्छी वीडियो नहीं बना सकते। फिर फ़ोन ही फ़ोन नहीं, उसमें कई चीज़ें चाहिए, फिर जैसे कि मैंने आपको बताया रिंग लाइट की भी ज़रूरत पड़ती है, कैमरा की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप रिंग लाइट नहीं लाते, अगर आप एक बल्ब भी लाते बढ़िया वाला, तो वो भी 250-300 से कम नहीं आता है, चार्जिंग वाला बल्ब। तो कई चीज़ें दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं यही कहूँगा कि अगर आप YouTube में आना चाहते तो आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे कि एक वीडियो 5 मिनट में बन जाएगी तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर आप लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, 10 मिनट की वीडियो में आप कम से कम 5 घंटे मान के चलो, उसका सारा हिसाब किताब एडिटिंग वगैरह करना 3 घंटे मान लो, 4 घंटे मान लो, 5 घंटे मान लो, इतना भी लग सकता है। अगर 1 मिनट की हम वीडियो बनाते हैं म्यूजिक की, उसमें भी कम से कम हमारा 1 घंटा खर्च हो जाता है दोस्तों। तो यही बात मैं आपको बता रहा हूँ, मेहनत का काम है। तो मैंने आपको जो ये जानकारी दी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसा नहीं कि जो आपको छोड़ के यूट्यूब में काम करना है ना, जॉब के साथ साथ ही करना है, अगर आप हैंडल कर सकते हैं तो, डिप्रेशन में नहीं जाना है तो फिर एक ही चीज़ कीजिए। अगर आपको आपके पास समय नहीं है, जॉब के बाद आपके पास समय नहीं बचता है, तो जॉब को नहीं छोड़ना है YouTube के लालच में। मेरा बोलने का मतलब ये, जो भी आपका सैलरी आ रहा महीने का 10,000, 20,000, 15,000, वो बहुत मायने रखता है। और हमारे यहाँ एक कहावत है कि धूल के ढोल बहुत सुहावने लगते हैं, तो जो ये धूल के ढोल है ना, इसको बजने दीजिए,
और काफ़ी सारे लोग इसमें परेशान हो रहे हैं, आप परेशान मत होइए। धन्यवाद दोस्तों।